इस समय हम बारिश स्टूडियो में मौजूद हैं और फिल्म स्टार मुमताज़ काफ़ी अरसे बाद अपने साहबजादे ज़ीशान राहिल बारी की हमरा यहाँ पर आई। लेकिन ज़ीशान जो अपने वालिद साहब को मिलने काफ़ी अरसे बाद उनके घर जब पहुँचे तो हमने देखा वहाँ पर दरवाज़ा नहीं खोला गया, तो बड़ी गर्मा गर्मी उस वक्त देखने में नज़र आई। तो फिल्म स्टार मुमताज़ इस वक्त बारी स्टूडियो से रवाना हो रही हैं, तो ज़ीशान भी साथ हैं, कोशिश करते हैं उनसे बात कर लें। मैडम क्या कितने अरसे बाद आए हैं आप बारी स्टूडियो और आज क्या हुआ, आप क्यों नहीं एंटर होने दिया? नहीं, एंट्री का तो मसला नहीं था, एंट्री तो हमने ले ली, खुर्रम साहब से इजाज़त ली, उन्होंने कहा कि कोई मसला ही नहीं है, जिस तरह मेरा है उस तरह ज़ीशान राहिल की तरफ से ज़ीशान का भी है। लेकिन स्टूडियो में गए, बड़ा अच्छा लगा, खुर्रम साहब ने बड़ी रिस्पेक्ट की, लेकिन वो राहिल साहब को मिलने के लिए गए और चाचे ने बड़ी सपोर्ट की है, लेकिन उन्होंने दरवाज़ा नहीं खोला। अब दरवाज़ा क्यों नहीं खोला, अब ये मैं पूछूंगी। अच्छा, ये राहिल साहब की तरफ से नहीं खोला गया, किसकी तरफ? नोबडी नोज़। बचपन की मोहब्बत आई। आप देखें इस वक्त फैंस मुमताज़ को काफ़ी अरसे बाद देखकर किस तरह उनसे मुलाकात कर रहे हैं। कैसी हो? और ये जो मद्दा है वो काफ़ी जज्बाती नज़र आ रहे हैं। साथ साथ ज़ीशान भी मौजूद हैं। ज़ीशान भाई थोड़ा आगे आइएगा। क्या कहेंगे 26-27 साल बाद वालिद से एक मुलाकात, से दरवाजे खोलने की दूरी तक? बस एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि आज ये होगा। मैं तो बड़े खुश दिल से आया था कि मैं अपने फादर को यू नो मिलूँगा और हंसी खुशी प्यार मोहब्बत से, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उन्होंने दरवाज़ा नहीं खोला। तो चलें दुआ करें, इंशाल्लाह इंशाल्लाह मेरी जल्दी मुलाकात हो उनसे। टेंशन वालिद साहब की तरफ से नज़र आ रही है या कोई और अंदर है जो ऐसा? कोई और है, वो तो बेचारे ऐसे नहीं है, वो तो बहुत ही इंटेलिजेंट आदमी है, बड़ा पढ़ा लिखा है, तो अपने बेटे से मिलने से क्यों घबराते हैं, क्या है भी? वो खुर्रम साहब ने बताया कि वो देख नहीं सकते। अच्छा, वो ना देख सकते हैं ना पानी पी सकते हैं, वो कुछ भी नहीं कर सकते। तो अभी आपका क्या प्लान है, अभी आपने आगे जाने लास्ट बता दीजिए, क्या प्लान है? अभी मुलाकात तो नहीं हो सकी अभी, बस अब प्लान ये है कि इंशाल्लाह कोशिश करेंगे उनसे मिलने की और करेंगे, बेटी हेल्प करेगा, वरना अदालत तो है ही ना फिर। इंशाल्लाह ताला जरूर मुलाकात होगी, हमें पूरी खुर्रम साहब ने उम्मीद और यकीन दिलवाया। और मैं समझता हूँ राहिल साहब को मिलना चाहिए, बेटा है कोई, वो शेयर मांगने नहीं आया, अपने बाप से सिर्फ मिलने आया, बाप से मोहब्बत है, मिलने के लिए, मिलने के लिए। थैंक यू सो मच। और ज़ीशान राहिल बारी और जितने लोग यहाँ पर हैं, ख़ास तौर पे मैडम मुमताज़, अदाकारा मुमताज़, वो उन्होंने पूरे स्टूडियो का विज़िट किया और जो एक अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हमने देखा उस पर हमने वीडियो बनाई और कोशिश की कि उनसे, यानी कि ज़ीशान राहिल बारी और जो अदाकारा मुमताज़ हैं, उन पर इसका चांस मालूम किया जा सके।